चलते हैं हम नेक्स्ट कि नियर बाय 50 तो समझ में आ गया, और भी डिजिट है वो समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट कैसे करना है, यदि कोई डिजिट नियर बाय 100 हो, नियर बाय 1000 हो, नियर बाय 10,000 हो, नियर बाय 1,00,000, तो दिस सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे ज्यादा आता भी नहीं है, इनके साथ आएगा तो भी हम कर लेंगे। एग्जांपल 96 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 996 का स्क्वायर, और एक लास्ट लेते हैं 9997 का स्क्वायर। सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इन सभी सवालों का जवाब आज अभी आप 3 सेकंड में देंगे। कितने सेकंड? 3 सेकंड में। ए मैं नहीं, आप। चलिए आप कैसे देते हैं हम बताते हैं आपको। अब देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी डिजिट नियर बाय 100 हो या नियर बाय 1000 हो या नियर बाय 10,000 हो या नियर बाय 1,00,000 हो या नियर बाय 1,00,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नियर बाय हो, उसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 96, मुझे बताइए कि 96 किसके नियर बाय है, पता है 100 के नियर बाय है। अब यहां पे ये देखना है कि जिस सवाल को सॉल्व करना है उससे डिजिट को हम लिखेंगे। क्या बोला मैंने, जिस सवाल को, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस डिजिट को हम यहां लिखेंगे। 96 करना है तो 96 लिखेंगे। अब बताइए कि 96 नियर बाय 100 तो है, अधिक है या कम? यदि कम है तो माइनस कीजिएगा और अधिक है तो प्लस कीजिएगा, तो माइनस कितना है 4। और फिर जितना अधिक या कम है, जितना अधिक या कम है उस डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया? कोई भी डिजिट यदि निकालना हो 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000 के नियर बाय, तो उस डिजिट को एज इट उतारिए। उतारने के बाद कंपेयर कीजिए कि अधिक है या कम, अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस। एग्जांपल के लिए 96 हमने लिया, 96 देखा ये माइनस 4 होगा क्योंकि कम है 100 से। फिर जितना कम या अधिक है उसी डिजिट को स्क्वायर करेंगे। चलिए फिर हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ये जो स्लैश है ये अलग पार्ट है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए, फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 92, इसको करेंगे तो आंसर आएगा 16, तो आंसर इज व्हाट 9216। समझ में आया? नहीं आया, चलिए एक बार आप सुनिए। 96 किसके नियर बाय है? 100, 100 अधिक या कम? कम। कितना? 4, तो माइनस 4 किया। अब यहां पे देख, फिर जितना कम या अधिक था उसी का स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर किया। अब ये देखना है कि स्क्वायर जब करेंगे तो हमें क्या करना होगा। 100 में कितने जीरो है? 2। 100 में कितने जीरो है? 2। तो स्क्वायर करने पे हमेशा 2 डिजिट ही आना चाहिए, ना तो 2 से अधिक और ना 2 से कम। यदि अधिक आया तो गलत हो जाएगा, कम आया तो गलत हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चलिए उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। पहले इसके सॉल्व कर ले, 96 माइनस 4 इक्वल टू 92, और 4 का स्क्वायर 16, यानी आंसर इज 9216। आप बताइए 98 फर्स्ट कीजिए। 98 हमने क्या बोला कि जिसको निकालना है उस डिजिट को एडिटिव कर दीजिए, 98 लिख दिया। कंपेयर कीजिए अधिक या कम, आपको यह पता चल रहा है कम है, कितना कम है 2। फिर क्या बोला था, जितना कम या अधिक है उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। तो पहले किसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को, फिर इसको, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हुआ 96, फिर इसको सॉल्व कीजिए कितना हुआ 4। अब आंसर 964 तो नहीं हो सकता ना। मैंने क्या बोला कि 98 किसके नियर बाय है, 100, 100 में कितने जीरो है 2, तो हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना 1 डिजिट, तो डबल डिजिट कैसे बनाएं।
तो इसके लिए जीरो इसको पहले लगाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, डबल डिजिट होगा, तो आंसर इज व्हाट 9604। चलिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 106 फर्स्ट, गुड। 106 कैसे सॉल्व करेंगे? 106 प्लस 6 और 6 का स्क्वायर 11236, गेटिंग। तो आप इस तरह से फर्स्ट और बिना नोटबुक का करें, पेन यूज नहीं करें, मेंटली कैलकुलेशन करें, क्योंकि इसके लिए मेंटली पेन की जरूरत नहीं है, मेंटली केवल कैलकुलेशन करें और आई होप कि आप कर पाएंगे। चलिए एक और लास्ट टाइम करते हैं, 109 फर्स्ट, लेट नहीं, 109 यानी 109 में क्या करना है, प्लस 9 करना है और 9 का स्क्वायर करना है, तो आंसर इज व्हाट 118 और 81, गेटिंग। चलिए एक लास्ट 102, हमने क्या बोला 10112, ये किसके नियर बाय है 100, तो आंसर इज व्हाट आपने बनाया होगा 112 प्लस 12 और 12 का स्क्वायर, गेटिंग। इसको सॉल्व करा तो 124 और 144, तो आंसर इज व्हाट 124 144, नो हमने आपको बताया था कि 112 नियर बाय किसके है 100, 100 में कितने जीरो है 2, तो हमेशा 2 डिजिट ही ना चाहिए, लेकिन यहां स्क्वायर करने पे कितना मिल गया 3 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, थर्ड को कैरी करेंगे। क्या बोला मैंने, लास्ट को 2 डिजिट छोड़ दीजिए और थर्ड को कैरी कीजिए, फिर देखिए क्या होता है 12544, दिस इज द आंसर, गेटिंग। चलिए एक और बने फॉर 113, व्हाट इज द आंसर 113 प्लस 13 का स्क्वायर 126169, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर इज व्हाट 12769, दिस इज योर आंसर। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का लेते हैं इसी में। आप बताइए 999 या 996 क्वेश्चन था ना, 996 का क्या जवाब होगा, 996 बिल्कुल 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या बोला था 996 सेम डिजिट लिखना है 996, ये नियर बाय किसका है, गुड 1000 के नियर बाय है। अब ध्यान रखिएगा कि 100 के नियर बाय था तो 100 के कैसे सॉल्व किया था, सेम कंडीशन फॉलो होगा, बट चेंज क्या होगा ये देखिएगा, यहां पे कितने जीरो है 2, तो जो स्क्वायर किया था वहां 2 डिजिट लिया, इसमें कितने जीरो है 3, तो स्क्वायर करने पे कितना है 3 डिजिट, यानी 996 1000 से कम है, कितना है 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए 992 माइनस करेंगे तो 4 आएगा 2 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। हमने आपसे क्या बोला कि 1000 में कितने जीरो है 3, तो स्क्वायर करने पे कितना डिजिट आना चाहिए 3 आना चाहिए, बट मिला कितना 2, तो कम कितना रहा 1, तो यहां पे 0 पुट करिए, तो आंसर इज व्हाट 992016। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, फिर सुनिए 999 फर्स्ट, डू हरी अप, क्या किया आपने 999 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर, यही किया ना, 99 क्या होगा 998 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहां तो 1 डिजिट मिला, लेकिन ये 1000 के नियर बाय है, 1000 में 3 डिजिट, तो कम कितना डिजिट रहा है 2 डिजिट, तो इन्हें 0 कितना पुट करेंगे 2, आंसर इज व्हाट 998001। एक मेंटली कैलकुलेशन कीजिए फर्स्ट, 998 998 में कितना कम है 2, तो कितना हुआ 996 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आंसर इज व्हाट 996004, क्योंकि 4 1 डिजिट है, हमें चाहिए था डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, तो 2 0 कम गया। आई होप समझ में आया,
चलिए एक सवाल अगर हम आपसे पूछते हैं, चलिए बताए, 1012 इसका स्क्वायर क्या होगा? नियर बाय 1000, तो 1012 में प्लस 12 और 12 का स्क्वायर, ये रूल है, क्या होगा 1024 और इसका कितना होगा 144, तो आंसर इज व्हाट? क्या कैरी हम कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पे हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए, कितना चाहिए? ट्रिपल डिजिट, तो ट्रिपल डिजिट मुझे मिला क्योंकि यहां 000 है, तो आंसर क्या होगा 1024144, दिस इज द आंसर ऑफ 1012। चलिए एक मास फास्ट कीजिए, 1013 क्या होगा? 13, तो ये क्या होगा 1026, और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो आंसर इज व्हाट 1026169। समझ में आया? एक लास्ट, आई होप इस सवाल का जवाब आप 3 सेकंड में दे देंगे, रेडी हैं आप? 99997 क्या होगा आंसर? ये किन किसके नियर बाय है? 99997 यानी 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो होता है। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, माइनस करिए, 9997 माइनस 3, 1 लाख में 3 कम रहा है, फिर 3 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा 9994 और 3 का स्क्वायर होगा 9। चलिए स्क्वायर करने पे 1 लाख है, तो 1 लाख में 1 2 3 4 5 डिजिट चाहिए, मिला कितना 1, तो कितना जीरो चाहिए 4, 1 2 3 4, आंसर इज व्हाट 9999400009, दिस इज द आंसर। क्या लग रहा है कि इन सभी को बिना पेन का, बिना नोटबुक का किया जा सकता है, और वो भी कितना 1 to 5 सेकेंड? हमारे साथ बने रहिए, हम कंटिन्यू आपको पूरी कैलकुलेशन का क्लास देंगे, कितने 1 to 5 सेकेंड में, ये मेरा कमिटमेंट है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा जिसका 1 to 5 सेकेंड में नहीं करेंगे, ठीक है।